प्रताप सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहना है कि जान बुझ के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते जिथो संगत आना जाना है उथे इस तरीके के धमाके किए जा रहे हैं। सारागढ़ी पार्किंग लागे दो दिन लगातार धमाके हो चुके हैं। एक अज तकरीबन 6:30 बजे होया, एक परसों आया। इंज लग रहा कोई कोई पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है। इस रोड से जड़िया संगत दर्शन कर ली हरिमंदर साहब आदि ने उस रोड से ही जोड़े धमाके होने, ये पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश है। एक जी संगत दर्शन कर लिया उन्होंने मन च डर पैदा करने की साजिश है। संगत जो निर्विघन गुरु घर दर्शन कर रही ना, संगत किसी तरह की कोई भी डर की भावना नहीं हैगी। भावें कि ये कोशिश की गई पर सिख संगत जो निर्विघन गुरु महाराज के गुरु रामदास दर्शन कर आ रही ने, तो संगत उदा ही उत्साह आ। मैं अजे अंसर ताड़ना करदा कि वो पंजाब का जिहड़ा भाईचारा उन्होंने खराब करने की कोशिश ना करन। सरकार ते प्रशासन भी बेनती करदा कि वो अजे अंसर तुरंत गिरफ़्तार करके जेलों च डके तां जो पंजाब का माहौल खराब ना हो। मेरी इस संबंधी पुलिस कमिश्नर पंडाल साहब तो सरदार रजीत सिंह SP साहब नाल गल हुई आ। वह भी जड़े CCTV कैमरे खंगार रहे हैं तो उन्होंने विश्वास दवाया कि जड़े ये अंसर ने इन्होंने अंसर तुरंत गिरफ्तार करके ते अंदर डकन की कोशिश की जा रही। इस नाल ही प्रताप सिंह का कहना है कि पर इस तरीके दे नाल माहौल कदे भी असीं खराब नहीं होण देवांगे। उन्होंने कहना है कि संगतां दे विच फिर भी उस तरीके का उत्साह जिस तरीके दे नाल पहला हुंदा सी। उन्होंने कहना है कि पंजाब सरकार नूं अपील करदे कि इस मामले विच कार्रवाई की जाए अते जिन्हां शरारती अंसरां दे वल्लों माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है अते धमाके किए जा रहे ने उन्होंने जल्द गिरफ्तार करके उन्हां ते कार्रवाई की जानी चाहीदी है। सकत्तर प्रताप सिंह का कहना है कि जान बुझ के अजिहियां शरारतां कीतियां जा रही ने ताकि माहौल नूं खराब किया जाए, जिसके चलते उन्होंने वालों हैरीटेज स्ट्रीट के उत्ते धमाके किए जा रहे हैं। होर उन्होंने की कहा, आओ सुनते हाँ। सो दस दें कि हैरीटेज स्ट्रीट से हुए धमाके लैके लगातार माहौल जिहड़ा कि वह भंग करने की कोशिश की जा रही है, जिसनों लैके हुण इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की जा रही है ताकि जिहड़ा माहौल खराब करने वाले शरारती अंसर ने उन्हां ते कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोजाना टाइम।